अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंजूर डेपर और आप देख रहे हैं मंजूर डेपर व्लॉग्स। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं बारन के अंदर जो मज़दूरों का अड्डा होता है काम के लिए, इधर से मज़दूर काम पे जाते हैं ठेकेदारों के साथ। मैंने सोचा आपको भी बारन के हालात दिखा दें। देखो दोस्तों ये सारे इधर मज़दूर खड़े हैं, ये देखो दोस्तों ये सारे इधर मज़दूर खड़े हैं। काम इधर बिल्कुल नहीं है। जो भी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से लोग आए हैं इधर कमाने के लिए, कोई विजिट वीज़ा पे आया है, कोई एग्रीमेंट वीज़ा पे, कोई आज़ाद वीज़ा पे आया है। जो एग्रीमेंट वीज़ा पे है वो कंपनी में गया, कंपनी में उसको 2-3-4 महीने का सैलरी नहीं मिलता तो वो कंपनी छोड़ के भाग आता है इधर। उसका राश का तकरीबन 20-25 दिनार हो जाता है, खाने पीने का 30 दिनार। लोग बहुत परेशान आए, खाने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं है, राश के लिए पैसे नहीं है, वो दर बदर भटकते रहते हैं। दोस्तों ये देखो अभी इधर तकरीबन बरन के अंदर टाइम 9 होने वाला है दिन का, अभी तक इन लोगों को काम नहीं मिला। देखो दोस्तों गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इधर भी, इधर काम बिल्कुल नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। देखो दोस्तों कितने बंदे इधर खड़े हैं। पाकिस्तान से तो हम लोग बोलते हैं हम बारन के अंदर जाएंगे, कम काम मिलेगा, उधर जाके कमाएंगे, लेकिन भाई देखो इधर लोग बहुत परेशान हैं काम के लिए, इधर काम कोई भी नहीं है। ये सारे अभी अपने अपने रूम में वापस जाएंगे 10 बजे, अभी 9 हो गया, 1 घंटे में इतने लोगों को काम किधर से मिलेगा। ये बहुत लोग इधर बैठे हुए हैं, वो आगे भी बैठे हुए हैं, देखो ये सारे लोग हैं इधर। देखो दोस्तों इधर काम बिल्कुल नहीं है, बरन के हालात देखो। मैंने सोचा आज आपको यही भी मंजर दिखा दें, लोग कितने परेशान हैं, कितने परेशान हैं काम के लिए। ये सारे आदमी इधर खड़े हैं, देखो दोस्तों इस साइड में, ये बीच में गाड़ी आ गया, इस साइड में देखो ये सारे इधर से सारे, ओ सिग्नल तक है, ये सिग्नल तक मज़दूर खड़े हुए हैं इधर। तकरीबन हज़ारों की तादाद में मज़दूर हैं, इधर काम बिल्कुल नहीं है। देखो दोस्तों फिर हम दूसरी साइड में आपको ले के चलते हैं रोड की उस साइड में, देखो उस साइड में कितने बंदे इधर खड़े हैं काम के लिए, काम इधर बिल्कुल नहीं है। इधर मज़दूर लोग आते हैं बहुत परेशान हैं, काम लोगों को नहीं मिल रहा है, खाने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किल है इन लोगों को। पाकिस्तान का हालात अभी तुम देख रहे हो कैसे हालात है पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन 4-5 लाख लगा के बंदा इधर आता है, इधर बहुत परेशान रहते हैं। देखो दोस्तों मैं भी पहले 2020 में आया था, 2022 में आया था शायद जनवरी महीने में, मेरे को भी 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। मैं भी एक कंपनी में आया था इलेक्ट्रिशियन के काम पे, मेरे पास इलेक्ट्रिशियन का वीज़ा था, लेकिन 6 महीने हमने काम किया कंपनी में, कंपनी ने सैलरी नहीं दिया, फिर हम भी काम छोड़ के इधर सिटी, ये बरन का मनामा सिटी है, इधर आके रूम ले लिया, अभी हम इधर आज़ाद काम कर रहे हैं। काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लोग इधर बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी हम ना, हम इधर से नहीं मिल रहा है तो अभी हम सब्ज़ी मार्केट जाएंगे, उधर जाके काम करेंगे, कुछ बन जाता है। लेकिन दोस्तों ये देखो इधर काम का हालात बहुत मुश्किल है, लोग बहुत परेशान हैं। देखो दोस्तों कितने लोग इधर खड़े हैं, रोड के उस साइड में आपको दिखाया मंजर, देखो दोस्तों कितने इधर आदमी खड़े हैं। ये काम इधर बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बहुत लोग परेशान हैं काम के लिए, काम बिल्कुल नहीं है इधर।
मैं पाकिस्तान से जो भी लोग इधर बहरीन के लिए सोच रहे हैं उनको हम बिल्कुल इधर आने के लिए नहीं बोलेंगे कि भाई बहरीन के अंदर आओ काम पे, इधर काम बिल्कुल नहीं है। हम उन लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे भाई अपने वतन में काम करो, जो भी हो सके जितनी इतने इधर आके हम मेहनत करते हैं, उधर काश हम अपने वतन में अपने गांव में मेहनत करते तो अपनी वाइफ अपने बच्चे छोड़ के इधर आना नहीं पड़ेगा। देखो दोस्तों, आज मेरी दिल ने बोला आपको भी ये मंज़र दिखा दें, कितना दर्दनाक मंज़र है। ये 5-5, 6-6 लाख लगा के आए हैं इधर ऐसे खड़े खड़े रह के हर दिन, महीने में 2-3 दिन 4 दिन काम मिलता है लोगों को, 15-20 दिन रूम में बैठे होते हैं। वो जो 3-4 दिन का काम मिलता है वो रूम के खर्चे में जाता है, रेंट में जाता है, खाने पीने में जाता है, मोबाइल का पैकेज भी करवाना पड़ता है। वो तकरीबन 9 दिनार का पैकेज है 1 महीने का। देखो दोस्तों, लोग बहुत परेशान हैं इधर। देखो दोस्तों, काम बिल्कुल नहीं है, बहुत लोग इधर परेशान हैं, किसी के पास काम नहीं है, हर बंदा इधर है। देखो दोस्तों, ये मंज़र देखो, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और वीडियो ये मुकम्मल देखना स्क्रैप नहीं करना और आइकन बेल को दबा देना, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो है आपको पहुंच जाए। यही हालात है इधर का। देखो दोस्तों, आप भी देखो कितने लोग इधर मजबूर हैं, किसी को काम नहीं मिल रहा है, हर बंदा इधर परेशान है काम के लिए। देखो दोस्तों, देखो हेलो, अरे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।